फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ फिर से एक नए कमाल की वीडियो एडिटिंग के साथ। जो फ्रेंड्स आप सभी ने स्टार्टिंग में वीडियो का प्रीव्यू देख लिया है, तो फ्रेंड्स आप लोग भी इसी तरह का वीडियो बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लीजिएगा। फ्रेंड्स इस तरह का वीडियो अभी खास करके बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा वायरल भी हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि आप लोग किस तरह से इस तरह का वीडियो जो अपने फोटो से बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। उससे पहले फ्रेंड्स जिस इस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स वो भाई जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्रेंड्स इसी तरह का वीडियो जब भी मैं कोई अपलोड करूंगा तो फ्रेंड्स उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के बीच पहुंचेगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ से आप सभी को अपने मोबाइल में से काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लें। तो फ्रेंड्स काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर देने के बाद आप सभी के सामने कुछ इस तरह का खुल जाएगा। खुल जाने के बाद आप सभी को क्रिएट न्यू पे क्लिक करके 9:16 का रेशियो लेकर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर देने के बाद आप सभी को करना क्या होगा, सिंपली सेटिंग वाले पर चले जाना है, एडिटिंग पर चले जाना है। एडिटिंग पर चले जाने के बाद फ्रेंड्स आप लोग फोटो ड्यूरेशन को बढ़ा के आप लोग कुछ इस तरह से 2.5 सेकंड पर ला देना है और यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आप लोग को मीडिया पर क्लिक कर देना है। मीडिया पर क्लिक कर देने के बाद आप लोग अपने फोटो वाले सेक्शन के गैलरी में चले जाएगा। वहाँ से फ्रेंड्स आप जो इमेज को बनाना चाहते हैं वहां से फ्रेंड्स आप सभी को 8 इमेज को जो है ना ऐड कर लेना है। ओके तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहां से मैं जो 8 इमेज को ऐड कर लिया। ऐड कर देने के बाद आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाना है। आ जाने के बाद आप लोगों को लेयर पे क्लिक कर देना है, मीडिया पे क्लिक कर देना है और यहां से फ्रेंड्स उस म्यूजिक को ऐड कर लेना जिस म्यूजिक से फ्रेंड्स आप लोग बनाना चाहते हैं। तो चले फ्रेंड्स यहां से मैं उस म्यूजिक को ऐड कर लिया। इसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो म्यूजिक ऐड कर देने के बाद आप लोग नीचे देख सकते हैं एक्सट्रेट ऑडियो का ऑप्शन, एक्सट्रेट ऑडियो पर क्लिक करके ऑडियो को बाहर निकल के यहाँ से वीडियो को डिलीट कर देना है। वीडियो डिलीट कर देने के बाद आप सभी को थोड़ा सा जो दोनों उंगलियों को पकड़ के इस तरह से जूम करना है। ओके जूम कर देने के बाद आप लोगों को फोटो के हिसाब आप लोगों को बीट के हिसाब से फोटो को कटआउट करना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं अगला बीट जो है हमारा कुछ फर्स्ट बीट इतने पर आया है। ओके 2.62 पर आ चुका है। तो फोटो पे क्लिक करके कैंची पे क्लिक करके ट्रम टू राइट पेरेट में कर देंगे। फिर से आप लोगों को अगला बीट जो है हमारा देख सकते हैं कहाँ पर है, इतने तक देख सकते हैं आप लोग 3.56 पर, ठीक है 3.6 सेकंड पे। इतना को फोटो पे क्लिक करके कैसे पे क्लिक करके टर्म टू राइट पेरेट कर देंगे। फिर से आप लोग को अगला बीट जो है देख सकते हो कुछ यहाँ पर इतने तक 5.0 जो समथिंग यानी 5.162 पे। तो फोटो पे क्लिक करके कैसे पे क्लिक करके टर्म टू राइट पेरेट कर देंगे। फिर से आप लोग को अगले बीट पर जो है आ जाना है। फिर से अगला बीट देख सकते हैं हमारा कुछ यहाँ पर इतने पर आ चुका है, इतने से 6.0 देख सकते हैं 6.0 पे आ चुका है, इतने तक 6.743 पे आ चुका है। तो फोटो पर क्लिक करके कैंची पर क्लिक करके टर्म टू राइट पे लेट कर देंगे। फिर से आप लोग को अगले बीट पर आ जाना है। अगला बीट जो है देख सकते हैं आप लोग 8.0 जो है ना 2.300 पर है। ओके तो फोटो पर क्लिक करके कैंची पर क्लिक करके टर्म टू राइट पे लेट कर देंगे। फिर से आप लोग को अगले बीट पर जो है आ जाना। अगला बीट देख सकते हैं फिर से हमारा कुछ इतने तक 9.0 कुछ पे, ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं 9.87 पे है और 9.862 सेकंड पे है। तो फोटो पर क्लिक करके कैंची पर क्लिक करके टर्म टू राइट पे रीड कर देंगे। फिर से आप लोग को अगले बीट पर आ जाना। अगला बीट देख सकते हैं हमारा पर कुछ यहाँ पर 11.356 पे है, इतने पर आके फोटो पर क्लिक करके कैंची पर करके टर्म टू राइट पे रीड कर देंगे। ओके फिर से आप देख सकते हैं अगला बीट जो है हमारा कुछ इस तरह से आप लोग इतने तक जो है आ जाना और यहाँ से फिर से आप लोग कुछ इस तरह से आगे तक इतने तक बढ़ा देना है, ठीक है इतने तक जो है बढ़ा देना यानी कि 12.14 सेकंड पे आप लोगों को बढ़ा देना है। बढ़ा देने के बाद आप लोगों को सेटिंग पे क्लिक कर देना है, एडिटिंग पे क्लिक कर देना है। एडिटिंग पे क्लिक कर देने के बाद फोटो ड्यूरेशन के घटा के आप लोगों को 0.2 सेकंड पे लाना है। ओके 0.2 सेकंड पे ला देने के बाद आप लोगों को बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आप लोगों को मीडिया पे क्लिक कर देना है। मीडिया पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ से फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत सारा फोटो को एड करना होगा। ओके तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से मुझे फोटो को एड कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग भी कुछ इसी तरह से जो है फोटो को ऐड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो में जो है थोड़ा सा ध्यान दे के आप लोगों को देखना होगा, तो फ्रेंड्स आप लोग भी कुछ इसी तरह का वीडियो बना पाइएगा। तो चले फ्रेंड्स यहाँ से जो है मैं इसी तरह से फोटो को ऐड कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को थोड़ा सा ध्यान दे के देखिएगा यानी कि एंड तक देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ से मैंने फोटो को ऐड कर लिया। फोटो ऐड कर देने के बाद आप सभी को करना क्या होगा, सिंपली सा इस तरह से बैक आ जाना है। ओके बैक आ जाने के बाद आप लोगों को इस तरह से फोटो को जो है ना स्टार्टिंग में जो है ना आ जाना है। आ जाने के बाद आप लोगों को करना क्या होगा, सिंपली से यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा आप लोगों को दोनों उंगलियों को पकड़ के कुछ इस तरह से आप लोगों को जूम करना है। ओके जूम कर देने के बाद आप सभी को करना क्या होगा, सिंपली से यहाँ पर कुछ बीट जो है हमारा यहाँ पर, ठीक है इस तरह से आप लोगों को इतने तक जो है ना यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट बीट जो है हमारा कुछ इतने तक आया। ओके इतने तक जो है ना यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हमारा अगला बीट जो है कुछ इस तरह से 16 सेकंड पे। ओके 16.  समथिंग सेकंड यहाँ पर देख सकते हैं 16.  कुछ इतने पर 16.6 सेकंड पे आ जाना है। फोटो को कुछ तरह से आप लोग को बढ़ा देना इस तरह से और यहाँ से फ्रेंड्स देख सकते हैं कुछ आप लोग इतने तक जो है ला देना, ठीक है इस तरह से फोटो को बढ़ा देना है और यहाँ से देख सकते हैं लास्ट बीट जो है हमारा कुछ इतने तक यहाँ पर है, ठीक है
इतने तक आप लोगों को ला देना है। ला देने के बाद फिर से आप लोगों को आगे आ देना, अगला वीडियो देख सकते हैं हमारा कुछ यहाँ पर इतने सेकंड पर है। ओके तो फ्रेंड्स चले यहाँ से, मैं जो कुछ इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं अगला वीडियो से हमारा कुछ इस तरह से 19 सेकंड पर, ठीक है। इस तरह से 20 सेकंड पर आप लोगों को आ जाना है, 20 सेकंड पर आकर थोड़ा सा जूम करना है पर 20 सेकंड वाले फोटो पर क्लिक करके इस तरह से इसका ड्यूरेशन भी कुछ आप लोगों को इस तरह से बढ़ा के इस तरह से इतने तक जो है आने की 20.74 पे ला देना है। ला देने के बाद आप लोगों को आप जो है लास्ट फोटो पे इस तरह से लास्ट वीडियो से हमारा कुछ इतने पर है, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आप लोगों को करना क्या होगा, सिंपल से इस तरह से लास्ट में जो फोटो है इस पर आप लोग कुछ इस तरह से आके इस तरह से भी इसको बढ़ा देना है। ओके और बाकी फोटो जो है फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ से डिलीट कर देना है। ओके तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को थोड़ा सा ध्यान देकर अगर आप लोग देख लेते तो फ्रेंड्स आप लोग कुछ इसी तरह का बहुत ही सिंपल से बना सकते। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ से मैं जो इस तरह से बीट को कट कर लिया, आप लोग भी कुछ इसी तरह से कट कर लीजिएगा। तो बीट कर देने के बाद आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग में आ जाना है। आ जाने के बाद आप सभी को करना क्या होगा, सिंपली से फर्स्ट इमेज पर क्लिक करके क्लिप ग्राफिक में चले जाना है। क्लिप ग्राफिक में चले जाने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख सकते स्वीट लाइज, इस पर क्लिक करके आप लोग को 5 नंबर वाले को ऐड करना है। ओके उसके बाद सेकेंड फोटो पर आ जाना है, क्लिप ग्राफिक में चले जाना है। क्लिप ग्राफिक में चले जाने के बाद कॉल मी डीजे में जाकर के 3rd नंबर को ऐड करना है। ओके फिर से आप लोग को अगले इमेज पर क्लिक करके क्लिप ग्राफिक में जाकर के कॉल मी डीजे में जाकर 3rd नंबर वाले को ऐड करना है। ओके फ्रेंड्स आप लोग कुछ इसी तरह से जो आप 6-8 पिक्चर को ऐड किया था ना सभी पर जो है कॉल मी डीजे को 3rd नंबर वाले को ऐड करना है। ओके तो फ्रेंड्स चले यहाँ से मैं जो कुछ कॉल मी डीजे को 3rd नंबर को इसी तरह से ऐड जो है कर लेता हूँ, आप लोग कुछ इसी तरह से ऐड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये स्वीट लाइज वाले जो है डाउनलोड करने के लिए आप सभी को कॉल मी डीजे डाउनलोड करने के लिए आप सभी को करना क्या होगा, सिंपली सा इस पर मैंने वीडियो बना दिया और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप सभी देख करके आसानी से कैन मास्टर में डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ से मैं ऐड कर लिया, ऐड कर देने के बाद अब जो फ्रेंड्स आप लोग को जो यहाँ पर लास्ट में जो बड़ा ड्यूरेशन वाला इमेज है ना उस पर क्लिक कर देना है। क्लिप ग्राफिक में चले जाना है। क्लिप ग्राफिक में चले जाने के बाद फ्रेंड्स आप लोग देख सकते स्वीट लाइज, इसमें क्लिक करके 5 नंबर को ऐड करना है। ओके 5 नंबर वाले को ऐड कर देने के बाद अब जो फ्रेंड्स जितना भी छोटा ड्यूरेशन वाला फोटो है ना उसमें आप सभी को करना क्या होगा, सिंपली सा दोनों उंगलियों को पकड़ कर जूम कर देना होगा, फोटो पर क्लिक करके क्लिप ग्राफिक में चले जाना है। क्लिप ग्राफिक में चले जाने के बाद आप लोग स्वीट लाइज में जाकर के 1st 11 नंबर को ऐड करना है। ओके आप लोग इसी तरह से सभी इमेज पर जितने भी आप बाकी है ना छोटा इमेज वाला सभी पर जो है स्वीट लाइज में जाकर 11 नंबर वाले को ऐड करना है। तो फिर चले यहाँ से मैं सभी इमेज पर जो है स्वीट लाइज में जाकर के 11 नंबर वाले को ऐड कर लेता हूँ और बाकी जो है आप सभी को कौन सा जो इफेक्ट लगाना है तो फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा सा ध्यान देखिए वीडियो का देखेगा तो आप सबको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स चले यहाँ से मैं जो है कुछ इसी तरह से ऐड कर ले रहा हूँ, आप लोग कुछ इसी तरह से स्वीट लाइज में जाकर के 11 नंबर वाले को ऐड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ से मैं जो कुछ इसी तरह से ऐड जो है कर रहा हूँ, तो फ्रेंड्स आप लोग भी कुछ इस तरह से ऐड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान देकर वीडियो को देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को अभी तक आप सभी ने तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो फ्रेंड्स इस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप ताकि इसी तरह का वीडियो जब भी मैं कोई अपलोड करूँगा तो फ्रेंड्स वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप सभी के बीच पहुँचेगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से मैं जो कुछ इसी तरह से ऐड कर लेता हूँ और अब जो है फ्रेंड्स आप लोगों को आगे जो है ना कौन सा इफेक्ट इसमें लगाना है, बाकी जो फोटो बचा है ना उसमें सभी में आप लोग कौन सा इफेक्ट लगाना है तो फ्रेंड्स आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए एंड तक लास्ट तक आप सभी को जो है पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ से जितना भी छोटा ड्यूरेशन वाला फोटो था सभी पे जो है मैं स्वीट लाइज में जा करके 11 नंबर वाले को ऐड कर लिया। कर देने के बाद आप लोग जहाँ देख सकते हैं यहाँ पर बड़ा ड्यूरेशन वाला इमेज है। ओके तो आप लोग को इसमें कौन सा इफेक्ट लगाना है, क्लिप ग्राफिक में चले जाना है। क्लिप ग्राफिक में चले जाने के बाद स्वीट लाइज में जाना है, जाने के बाद आप लोग को 5 नंबर वाले को ऐड करना है। ओके फिर से आप लोगों को 5 नंबर वाले को ऐड कर देने के बाद आप सभी को 5 नंबर वाले को ऐड कर देने के बाद अब जो फ्रेंड्स छोटा ड्यूरेशन वाला फोटो है आप सभी को उसमें जो है कौन सा इफेक्ट लगाना है फोटो पे क्लिक करके क्लिप ग्राफिक में जा करके यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग जो है ना देख सकते हैं स्वीट लाइज, स्वीट लाइज में जाकर को 9 नंबर को ऐड करना है। ओके अब जो फ्रेंड्स जितना भी छोटा इमेज है ना जो 12 इमेज से पहले आने वाला है सभी में जो है आप सभी को स्वीट लाइज में जाकर के 9 नंबर को ऐड करना है। तो फ्रेंड्स चले यहाँ से मैं जो कुछ इसी तरह से सभी इमेजों पर ऐड कर ले रहा हूँ, आप लोग भी कुछ इसी तरह से ऐड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ से मैं जितना भी छोटा इमेज था वो सभी पर जो स्वीट लाइज में जाकर 9 नंबर को ऐड करने कर लिया हूँ। अब जो फ्रेंड्स बड़ा ड्यूरेशन वाला इमेज है तो आप लोगों को उस इमेज पर क्लिक करके क्लिप ग्राफिक में जाकर के स्वीट लाइज में जाकर के आप लोगों को 5 नंबर को ऐड करना है। ओके अब जो फ्रेंड्स जितना भी छोटा इमेज है ना सभी पर आप लोगों को क्लिप ग्राफिक में जाकर के स्वीट लाइज में जाकर के 17 यानी कि 17 नंबर वाले को ऐड कर लेना है। तो चले फ्रेंड्स यहाँ से मुझे कुछ इसी तरह से सभी में आप जितना भी छोटा इमेज है ना सभी पे जो स्वीट लाइज में जाकर के 17 यानी कि 17 नंबर वाले को ऐड कर लेता हूँ, आप लोग कुछ इसी तरह से ऐड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी को पहले ही बता दिया हो कि स्वीट लाइज और कॉल मी डीजे जो किस तरह से डाउनलोड किया जाता है उस सभी का वीडियो का बनाकर मैं लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो को देख करके उस वीडियो को देख करके फ्रेंड्स आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग अपने काइन मास्टर में। चले फ्रेंड्स इसी तरह से मैं सभी इमेजों पर ऐड कर लेता हूँ। तो ऐड कर देने के बाद सभी को जितने आप ऐड कर देने आऊँ कर देने के बाद आप लोगों को जितना भी इमेज
लास्ट में बचा है ना फ्रेंड्स, सभी पे इसी तरह से कर देना है। और लास्ट में जो ब्लड डोनेशन वाला फोटो है ना, उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है, क्लिक ग्राफिक में चले जाना है। क्लिक ग्राफिक में चले जाने के बाद स्वीट लाइज में जाकर के 5 नंबर वाले को एड कर देना है। ओके, 5 नंबर वाले को एड कर देने के बाद आप सबको करना क्या होगा, इसमें वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाना है। स्टार्टिंग में आ जाने के बाद आप लोगों को करना क्या होगा, इसमें ब्रोकन ग्लास वाले इफेक्ट को एड करना है। तो उसके लिए फ्रेंड्स आप लोगों को फर्स्ट इमेज को छोड़ करके सेकेंड वाली इमेज पे आ जाना है। आ जाने के बाद आप लोगों को लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक कर देने के बाद आप लोग अपने फाइल में जाकर के जो है इस वीडियो को एड डाउनलोड करना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स चले यहाँ से मुझे उसका यहाँ से एड कर लेता हूँ। एड कर देने के बाद आप लोगों को बॉक्स पर क्लिक करके फुल स्क्रीन में कर देना है। फुल स्क्रीन में कर देने के बाद फिर से इसी पर क्लिक करके साउंड को सबसे पहले आप लोगों को यहाँ से म्यूट कर देना है। म्यूट कर देने के बाद आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन, ब्लेंडिंग पर क्लिक करके यहाँ से फ्रेंड्स स्क्रीन में कर देना है। स्क्रीन में कर देने के बाद आप लोगों को करना क्या होगा, सिंपली सा फर्स्ट इमेज के जो सेकेंड इमेज है ना उसके लास्ट में आ जाना है और यहाँ से ब्रोकन ग्लास वाले इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। कैंची पर क्लिक करके ट्रम्प वाइट प्लेट कर देना है। ओके, फिर से आप लोगों को सेकंड इमेज पे इसी को एड करना था। उसके लिए आप लोगों को इस ब्रोकन ग्लास वाले इफेक्ट पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ से डुप्लीकेट निकालना है। डुप्लीकेट निकालने के बाद इस तरह से आप लोगों को बढ़ाना है। ओके फ्रेंड्स, चले यहाँ से मुझे कुछ इसी तरह से बढ़ा लेता हूँ। आप लोग थ्री डॉट पर क्लिक करके डुप्लीकेट निकाल के आप लोगों को भी कुछ इसी तरह से बढ़ाते ही जाना है। तो फ्रेंड्स चले यहाँ से मुझे कुछ इसी तरह से बढ़ा जो है ना ले रहा हूँ। अगर फ्रेंड्स आप लोग कोई भी जो है एडिटिंग करने में आप लोगों को दिक्कत आने की प्रॉब्लम आ रही है तो फ्रेंड्स आप लोग जो हमें टेलीग्राम पर जो है पूछ सकते हैं। उसका टेलीग्राम के चैनल का भी लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं। तो चले फ्रेंड्स यहां से मुझे इसी तरह से डुप्लीकेट करके जो है ऐड कर लेता हूं। ऐड कर देने के बाद अब जो फ्रेंड्स यहां पर देख सकते हैं लास्ट में जो बड़ा डिस्टेंस वाला इमेज है उसको छोड़ देना है। ओके, छोड़ देने के बाद फ्रेंड्स आप लोग कुछ तरह से आगे आ जाना है। आगे आ जाने के बाद देख सकते हैं आप लोग बड़ा डिस्टेंस वाला इमेज, तो उसके आप लोग को स्टार्टिंग में आ जाना होगा। आ जाने के बाद आप लोग को लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और यहाँ से फ्रेंड्स आप सबको एक फ्लिकर वाले वीडियो का एड करना है। उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चले फ्रेंड्स यहाँ से मुझे उस फ्लिकर वाले वीडियो को एड कर लेता हूँ। आप सभी को बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ से वीडियो को एड कर ले, एड कर देने के बाद बॉक्स पर क्लिक करके फुल स्क्रीन में कर देना है। फुल स्क्रीन में कर देने के बाद इसी फिर से इसी पे क्लिक करके नीचे देख सकते हैं ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन, ब्लेंडिंग पे क्लिक करके स्क्रीन में कर देना है। स्क्रीन में कर देने के बाद आप लोगों को इस तरह से वीडियो पे क्लिक कर देना है और इस बड़ा वाला फोटो का लास्ट में आ जाना है और यहाँ से फ्रेंड्स इतने पर आ जाकर इस पर क्लिक करके कैंची पे क्लिक करके ट्रम्प वाइट प्लेट कर देना है। ओके, फिर से आप लोग को इसी वीडियो पर क्लिक करके थ्री डॉट डुप्लीकेट निकाल लेना है। डुप्लीकेट निकाल देने के बाद यहाँ से फिर से आप लोग जो बड़ा डिशन है ना उसने तक जो है इसको ऐड कर लेना है, यानी कि लगा देना है। लगा देने के बाद फिर से आप लोग इसी पर क्लिक करके डुप्लीकेट निकाल देना है। यहाँ से फिर से आप लोग को लास्ट में जो बड़ा डिशन वाला है उस पर जो है इस तरह से इसको एड कर लेना। तो चले फिर से मैं जो इसी तरह से एड कर लिया। एड कर देने के बाद फ्रेंड्स आप लोगों को इसमें टेम्पलेट वीडियो को एड करना है। तो उसके लिए आप लोगों को लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है। उस टेम्पलेट का लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चले फ्रेंड्स यहाँ से मैं उस टेम्पलेट को एड कर लेता हूँ। तो देख सकते फ्रेंड्स यहाँ से मैं उस टेम्पलेट वीडियो का एड कर लिया हूँ। एड कर देने के बाद बॉक्स पर क्लिक करके फुल स्क्रीन में कर देना है। फुल स्क्रीन में कर देने के बाद फिर से आप लोग इसी टेम्पलेट पर क्लिक कर देना है। ब्रांडिंग में जाकर फ्रेंड्स इसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन कर देने के बाद फ्रेंड्स आपका ये वीडियो बनकर रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग को प्ले करके दिखाता हूँ कैसा दिखने में लग रहा है। फ्रेंड्स वीडियो का अच्छा काफी ज्यादा अमेजिंग का कमाल का भी लग रहा था। फ्रेंड्स आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि फ्रेंड्स इसी तरह का वीडियो जब भी कोई अपलोड करूंगा तो फ्रेंड्स वीडियो को नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप सभी के बीच पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को सेव करने के लिए आप लोगों को एरो वाले पे क्लिक कर देना होगा और यहां से फ्रेंड्स वीडियो को सेव कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही।